हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो जो बनेगा, इसमें मैं आप लोगों से कुछ अपने इश्यू शेयर करूँगी। इसमें कोई व्लॉगिंग नहीं है, कुछ अपना रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, ना ही कोई कुकिंग है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ हेल्थ इशू है जो मैंने काफ़ी टाइम से फेस किया था एंड मैंने आप लोगों को बताया था, बट आप सब डिटेल में जानना चाहते थे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, एंड वो चीज़ मैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉग में बता नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलिए उस टॉपिक पर ही एक अलग से वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ है पर्टिकुलरली वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा सफ़र करती हैं। तो ये वीडियो स्पेशली टू ऑल दी मदर्स, लेडीज़, सारी लड़कियों के लिए ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2-3 महीने से मेरा कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा था। मैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको बताती रहती थी, या बीच में ही व्लॉग के बीच में मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग आती थी, वो मैं आपको बताती थी, एंड इनकम्प्लीट व्लॉग बनते थे। तो वो क्या हेल्थ इशू था पिछले 3 महीने से, इट वॉज़ फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त एंड इट्स नाउ सेप्टेम्बर। तो 3-3.5 महीने हो गए जब से मैंने वो फेस किया था। अब मेरी दवाई भी हो गई है, अब मुझे आराम भी है, बट क्यों मुझे वो इशू हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो कोई गेस कर सकता है? अगर आप गेस कर सकते हैं कि करेंटली लेडीज़ क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखती हैं एंड उसकी वजह से उन्हें क्या क्या तकलीफ हो सकती है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो पहले लिख दीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगी, बट मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग ये गेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हमें हमेशा कहा गया है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स हम खुद को कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी, चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करोगे तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, एंड आप बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो हर चीज़ का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहते हो या इस चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत होनी ही चाहिए, एंड ऐसी ही एक चीज़ से मैं बहुत बहुत दूर रहती थी, और उसकी वजह से मुझे पिछले 3-4 महीने से इतना हेल्थ इशू फेस करना पड़ा। तो फाइनली मैं रिवील कर देती हूँ, वो प्रॉब्लम थी सनलाइट। यस, धूप ना खाना। मैंने आपको अपनी एक्ने स्टोरी में बताया हुआ है कि मैं सिर्फ टीनेज मैंने एक्ने सफ़र किया है, तो वो दिन से लेके आज के दिन तक अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सालों से मैंने धूप नहीं खाई है। मैं अपने घर की वो अकेली जनी होती थी जो धूप में नहीं बैठती थी। मेरा पूरा घर धूप में बैठता था और मैं धूप में नहीं बैठती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्ने। बट मैंने अपने फेस को धूप से बचाने के चक्कर में अपनी पूरी बॉडी को भी धूप से बचाया, एंड उसका ही साइड इफ़ेक्ट हुआ है मुझे। मुझे इन एक्सेस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, उसके लिए मेरे को बहुत सारी मेडिसिंस लेनी पड़ी। करेंटली भी मैं थोड़ी ओरल टैबलेट्स पे हूँ, एंड इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि मुझे शायद उनकी गर्मी की वजह से एक्ने निकल रहे हैं। तो ये था सबसे बड़ा रीज़न धूप में ना बैठने का, कि एक्ने की वजह से मैंने धूप में नहीं बैठा। और उस चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट मुझे इस एज में आके मिला वो है ये पेन, लो फीलिंग, हर समय चक्कर आना। मैं खाना बनाते बनाते मुझे चक्कर आने लग जाते थे, मैं आधा खाना छोड़ के लेट जाती थी, या कभी कभार मेरा कुकिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। पहले मैं सोचती थी मुझे गर्मी की वजह से ये हो रहा है, मैंने आपको बहुत व्लॉग्स में बताया मुझे गर्मी लग रही, बेचैनी हो रही है, गर्मी लग रही। बट फाइनली इन दी एंड जब मेरे सारे टेस्ट हुए, एंड इन दी लास्ट डॉक्टर ने विटामिन डी का टेस्ट कराया, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल निकल रहे थे, फिर विटामिन डी मुझे इन एक्सेस डेफिशिएंट है। मैं आपको अमाउंट नहीं बता सकती कि कितना है, बस ये सोच लो कि ना से थोड़ा सा ऊपर है। बस वो जो क्राइटेरिया होता है कि इतने से इतना होना चाहिए, उससे तो बहुत बहुत दूर था। एंड आई नो इट कि वो क्यों था, क्योंकि मैंने कभी सूरज देखा ही नहीं है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं पूरा कवर करके जाती हूँ खुद को, और नॉर्मल में जो लोग धूप में बैठते थे वो मैं कभी बैठी नहीं। तो धूप की मतलब धूप मुझ पर कभी पड़ी ही नहीं है, मैंने खुद पर कभी धूप पड़ने ही नहीं दी है, एंड उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही थी कोई चीज़ से इतना भी नहीं बचना चाहिए। एंड करेंटली मुझे जो है 4 या 5 इंजेक्शंस लगे थे एवरी वीकेंड पे, क्योंकि मुझे एक्सेसिव कमी थी, तो वो नॉर्मली ख़त्म नहीं हो सकती थी। ये नहीं कि आप अभी से कल से धूप में बैठना स्टार्ट कर दो और वो कमी पूरी हो जाएगी, इतना नहीं था कि डेली बेसिस में मेरा कम हो। मुझे एवरी डे की डोज चाहिए थी, तो वंस इन अ वीक का इंजेक्शन लगता था, 5 इंजेक्शन लगे, उसके बाद जो नॉर्मल टैबलेट होती है वो मैं खा रही हूँ।
तो उसमें मेरी है विटामिन डी की एंड कैल्शियम की, एंड उसके साथ साथ जो मैं अपनी स्किन की एक हार्मोन की मैंने स्टार्ट की वो, तो ये तीन मेडिसिन्स मैं करेंटली खा रही हूँ। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला है कि धूप में बैठिए, और मैंने कोशिश भी की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एवरीडे धूप में बैठी, बट इस साल इतना अच्छा मानसून आया है कि धूप निकलती ही नहीं है, एंड जब धूप निकलती है तो इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि आपसे बैठा नहीं जाता है। मैं जैसे तैसे करके थोड़ा 15-20 मिनट धूप में बैठ भी जाती थी, पिछले 1-1.5 महीने तो मैंने धूप में बैठा भी, बट उनसे उतनी कवरेज नहीं होगी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, तो उसके लिए मुझे टैबलेट ही लेनी पड़ी। एंड ये है कि अब मैं अपने आप को उतना धूप से नहीं बचाऊंगी जितना मैं पहले बचाती थी। तो जब भी मैं धूप में बैठती हूँ मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, नॉर्मल स्लीवलेस टॉप पहनती हूँ, सो दैट मेरी बॉडी को जितना हो सके धूप लगे। मैं फेस को साइड करके ही बैठती हूँ कि मेरे को फेस पे धूप ना आए बट मेरी बॉडी को धूप लगे, तो इस तरह से मैं बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, धूप खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेडीज़ जो होते हैं किचन में, घर में, इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं और कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि धूप भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मेरे को जो कमी सबसे मेन हुई थी वो हुआ था चेस्ट में पेन। मुझे इन दी सेंटर यहाँ दर्द होता था और यहाँ दर्द होता था, एंड उसके अलावा ब्रेस्ट में भी होता था। तो मेरे को जो भी पेन हुआ था वो यहाँ इस पूरे पोर्शन में हुआ था। पेन किलर्स खाना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो थोड़े बहुत मैंने पेन किलर्स भी खाए हैं, बट फाइनली जब ये टेस्ट से ये रिवील हो गया कि आपका जो बॉडी पेन का रीज़न है वो यही है। एंड लास्ट डॉक्टर ने भी सबसे लास्ट में ये टेस्ट कराया, इनिशियल्स में ये टेस्ट कोई नहीं कराता है क्योंकि ये कोई कॉमन टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी हड्डियों में दर्द हो या बहुत लो फीलिंग आए तो आप डॉक्टर को रिकमेंड करिए और ये वाला टेस्ट ज़रूर कराइए। एंड मैंने इस टेस्ट के साथ साथ इतने टेस्ट कराए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितने टेस्ट करा रखे हैं। मीन्स कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो छूटा नहीं है। पिछले 1-2 महीने में मैंने अपने पति की सारे खर्चा, मतलब इतना खर्चा करा, इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे टेस्ट मैंने करा डाले। मैं बताने में भी मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं बताऊंगी नहीं, बट आप सोच लो कि मैंने हर टेस्ट करा लिया जो बहुत बड़ी एज पे आगे जाके फ्यूचर में लोग कराते हैं कुछ चेकअप कराने के लिए, वो सब मैंने ऑलरेडी करा के रखा है क्योंकि मुझे एक दिमागी फितूर चढ़ गया था, कुछ रिस्क डर लग गया था मुझे क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ दर्द हो रहा था, तो इस वजह से तो मैंने सारे टेस्ट कराए। सो एवरीथिंग, सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे, कुछ भी इशू नहीं था, सिर्फ एक ही था मेरा विटामिन डी का, तो थैंक गॉड कुछ नहीं था। बस ये होता है कि अगर आप टेस्ट वगैरह करा लेते हो तो आपको एक पता चल जाता है कि आपको क्या तकलीफ है एंड आपको उसी पे वर्क करना है। तो ये थी सबसे बड़ा इशू जो आजकल की लेडीज़, मेरे नहीं एक और लोग भी फॉलो कर रहे हैं, एक यूट्यूबर हैं जो आगरा की हैं शिल्पी, उन्होंने भी ये फेस किया था, एंड उन्हीं की वीडियो में मैंने ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी कि हाँ चलिए ये भी कोई एक इशू होता है। तो जब मैंने ये फेस किया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए इस पर वीडियो बनाई, एंड हम लोग मेल्स में रेगुलर बात करते रहे, मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब उनसे शेयर की। एंड ऐसी एक और भी यूट्यूबर है, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी बट वो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, एंड उन्होंने भी अपने ब्लॉग में शेयर किया था कि उन्होंने भी ये इशू फॉलो फेस किया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लेडीज़ ज़्यादा ये फेस करती हैं, जेंट्स जो होते हैं बाहर जाते हैं, बाहर इन्वॉल्व होते रहते हैं, बट लेडीज़ जो हैं घर में रहती हैं। एंड शादी के बाद तो मैं पूरी तरह से एक हाउसवाइफ बन के ही रही हूँ, मैं जॉब पे नहीं जाती, कहीं किसी चीज़ के लिए नहीं जाती। आप शादी से पहले तो ट्यूशन्स जा रहे हो, स्कूल्स जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, तो आपका बाहर निकलना होता ही था। माना मैं कितना भी फेस कवर करती थी लेकिन मेरी बॉडी को थोड़ी धूप तो लगती थी, बट शादी के बाद तो मेरे को कोई काम ही नहीं है, मैं हमेशा घर में ही रहती थी, बस कुकिंग घर में, थोड़ा बहुत चले जाओ मॉल्स वगैरह में, वो भी भाई कार में जा रहे हैं, कार गई नीचे पार्किंग में, पार्किंग से लिफ्ट में चढ़े, गए ऊपर, ऊपर से नीचे, तो धूप की तो कोई चांसेस ही नहीं थे, एसी में गए, एसी में बैठे और एसी से ही वापस आ गए। तो इस तरह से लाइफस्टाइल हो गई है आजकल की। तो अगर आप भी कभी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो पक्का इस वाले टेस्ट को ज़रूर कराइएगा, एंड अपनी हेल्थ को लेकर के कभी भी नेग्लिजेंस मत किया करिए कि नहीं तो सबको हो रहा है, थोड़ा बहुत चल जाता है, ये दवाई खा लो या वो दवाई खा लो, ऐसे कभी भी मत कीजिए। हाँ, तो ये इश्यू जो मैंने फेस किया ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं एक और बताना चाह रही हूँ जो मेरे हस्बैंड करेंटली फेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी हो गई है एक विटामिन की डेफिशिएंसी, उन्हें हो गया विटामिन बी की डेफिशिएंसी। उनके पूरे मुंह में छाले हो गए थे, वो काफ़ी दिन बी का सूल खाते रहे, ऐसी ओरल जो दवाइयाँ होती हैं छालों की वो उन्होंने लगाई, बट उन्हें बार बार रिपीटेडली छाले होते थे। एंड छाले जो एक होते हैं ना, एक वाइट से होते हैं ज़ख्म तरीके के छाले और एक होते हैं पूरा रेडनिंग वाले, तो उन्हें वो ज़ख्म वाले छाले नहीं होते थे कि एक एक इधर हो गया या एक उधर हो गया, उनको पूरे थ्रोट के अंदर मीन्स पूरी टंग के सराउंडिंग में, पूरा दोनों चीक्स के अंदर उन्हें इतने छाले होते थे कि उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत आती थी। और मैंने बताया होगा कि मैं आजकल खाना बहुत हल्का बना रही हूँ क्योंकि मेरे
हस्बैंड को खाने में दिक्कत है, तो वो ये होता था कि उन्हें ठीक हो जाता था, फिर से हो जाता था, ठीक हो जाता था, फिर से हो जाता था। फाइनली वो बहुत आलसी हैं डॉक्टर वगैरह दिखाने में, फाइनली उन्होंने जब दिखाया तो यही रिवील हुआ है कि उनको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। एंड विटामिन बी की डेफिशिएंसी स्पेशली किन लोगों को होती है, जो हरी सब्जियां नहीं खाते। एंड मेरे हस्बैंड बहुत बड़े चोर हैं, लौकी, तुरई, टिंडे, करेले, भिंडी, बैंगन, इस तरीके की चीज़ें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं देती भी हूँ तो कहते हैं लंच में बहुत थोड़ी सी दो, और अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी चली जाती है तो वो लौट के आ जाती है। ये होता है कि टिफ़िन शेयर करते हैं तो उनमें उन्हें कुछ और जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं और अपनी हरी सब्जी छोड़ देते हैं। तो उनको स्टार्टिंग से हैबिट रही है हरी सब्जी कम से कम खाने की, और सब्जी भी कम से कम खाने की। ही इज़ लाइक कि वो छू छू के खा लेंगे और उनका पेट भर जाएगा। एंड आई एम लाइक कि मुझे दो कटोरी भर के दाल दो या कटोरा भर के सब्जी दो, मैं उस तरीके की खाने वाली हूँ। एंड वो हैं कि उनको पाँच चार कितनी भी रोटी खिला लो, इतनी सी सब्जी दे दो, वो उससे खा लेते हैं। तो उनकी वो लाइफ लॉन्ग जो सिंस चाइल्डहुड उनकी हैबिट रही, उसका साइड इफ़ेक्ट उनको ये मिला है। एंड मैंने जो हैबिट फॉलो की उसका साइड इफ़ेक्ट मुझे ये मिला है। तो यही कहते हैं ना, कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ इस तरह से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो लाइफ में हर चीज़ कीजिए, हर चीज़ खाइए, बट अप टू अ लिमिट। तो यही था मेरी तरफ से, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे हस्बैंड ने फेस की वो सब मैंने आपसे शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे एंड आप लोगों को भी कुछ सीखने जानने को इससे मिला हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई डिस्कस भी नहीं करता है एंड हर कोई इस चीज़ का टेस्ट भी नहीं कराता है। तो इस वजह से मैंने एज एन आई ओपनर ये वीडियो बनाया फॉर ऑल दी लेडीज़। एंड हस्बैंड्स के साथ भी मैंने आपको बता दिया कि जेंट्स लोगों के अंदर ये वाली कमी होती है तो उनको इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड इस समय मुझे हो रही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मेरे हस्बैंड को हो रही है विटामिन सी की डेफिशिएंसी, एंड शौर्य का है हीमोग्लोबिन कम। तो अभी हमें तीनों को बहुत सारी रिकवरी की ज़रूरत है, नॉट इन दैट सेंस बट ईटिंग हैबिट्स में, लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस हैं उनकी ज़रूरत है। तो वैसे मैं बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, बट इवन देन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, तभी हम लोग ये फेस करें। तो अब मैंने अपना ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल दोनों में ही नेसेसरी चेंजेस लाए हैं एंड आई होप इट विल वर्क वेल। सो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ इशू जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके के कौन सा इशू आपने किसी ने फॉलो किया है। एंड इसी तरह से देखते रहिए मेरी सारी वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।